नमस्कार दोस्तों, बनारस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरा तीसरा दिन है। अभी मैं आई हूँ ठठेरी बाज़ार में। सुबह के बज रहे हैं 8 और राम भंडार जो फेमस है पूरी सब्जी जलेबी कचौरी के लिए, वहाँ आई हूँ। वहाँ जाएंगे और बढ़िया सा गर्मा गर्म नाश्ता करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये आप जो खड़ी है श्री राम भंडार है, ये श्री राम भंडार। और यहाँ की जो है कचौड़ी और जो जलेबी और सुबह का नाश्ता जो होता है पूरी का, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस है काशी का। और ये शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। और अब बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कतार लगी है लोगों की खाने के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं, हमारे क्यूरिस भाई आते हैं, इसको बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ की लंबी लाइन और बोलते रहे 45 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली हमारा नंबर आ चुका है। स्वादिष्ट है कचौड़ी में। इन लोगों ने काले चने की सब्जी और एक हरी चटनी और एक मीठी चटनी डाली है। मतलब जलेबी ले लो, मिल गया। तो मैंने मंगाया है पूड़ी आलू की सब्जी। पूड़ी सब्जी को यहाँ बड़ी कचौरी बोलते हैं और छोटी कचौरी और जलेबी। अभी मैं खाने वाली हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। टेस्ट का तो कुछ मतलब वो है ही नहीं, क्वेश्चन डाउट ही नहीं है। बेस्ट टेस्ट है यहाँ पे। अब मैं एंजॉय करती हूँ बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता। दुकान कितने 1951 से है? 5वीं पीढ़ी है हमारे। तो कितने टाइप के पापड़ मिल जाएंगे? पापड़ कम से कम भी मेरे पास मिल जाएंगे 20 तरीके के। 20 तरीके और अचार? अचार आपके मिल जाएंगे 40 तरीके के। अरे वाह। हाँ, ये लाल मिर्चा फेमस है, आलू पापड़ लाल मिर्चा बनारस का। ये हरा मिर्चा कलौंजी अचार है, लहसुन का अचार है हम लोगों के यहाँ, आम चना है, पोड़ी का अचार है, अगस्त के महीने में फूल आता है उसका, लेसुए का अचार है, कटहल का मिल जाएगा अचार, केर टांगरी मिल जाएगा नंबर एक क्वालिटी, आम हिंग कचरी है यहाँ का, सूरन का अचार है, इसमें हरा मिर्चा अदरक पड़ा रहता है, कोल के नाम से भी जाना जाता है, अदरक का अचार है, नींबू मसाला है, नींबू खट्टा मीठा अचार है, आंवले का अचार मिल जाएगा, करौंदा अचार है, गाजर का अचार है, पास का अचार है, पास का मुरब्बा भी है मेरे पास। राम भंडार में नाश्ता करने के बाद मैं निकल गई लक्ष्मी चाय वाले के पास चाय की चुस्की लेने। कितने टाइप के टोस्ट हैं यहाँ पे? एक सिजेरियन होती है, अच्छा, अंदर बटर डालकर, एक मलाई वाली होती है, एक अमूल है, एक वाइट बटर। अच्छा, मैं आ चुकी हूँ फेमस लक्ष्मी चाय वाले पे। मैंने लिया है यहाँ पे मलाई टोस्ट और एक मक्खन टोस्ट। ये बना रहे हैं भैया यहाँ पे। देखो मैं कैसे बना। भैया आपके मलाई में 70 पड़ी ना? नहीं मना कर दिया, मना कर। हाँ मैंने कर दिया।
मलाई गई है, मजा ही आ रहा है। भरपेट नाश्ता करने के बाद मैं निकल पड़ी सारनाथ मंदिर की ओर। वाराणसी शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है सारनाथ। मैं पहुंच चुकी हूँ सारनाथ। सारनाथ वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश दिया था। इस वक्त मैं हूँ सारनाथ जो मेन मंदिर है उसके पास, और मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं ये है वो पीपल का पेड़, और जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो तो बोधगया बिहार में है। उसी की एक जो ब्रांच काट के एक लगाए थे, एक श्रीलंका में लगाई थी और एक और ब्रांच यहाँ सारनाथ में लगाई है। घंटा देख रहे हैं इतना बड़ा जो घंटा लगा हुआ है, ये इसको रोज मॉर्निंग में 4:30 और इवनिंग में 6:30 को बजाया जाता है। इसका साउंड इतना तेज होता है कि 2 से 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। ये ऐसे मेटल से बना हुआ है। सारनाथ मंदिर के आसपास ही काफी सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बुद्धिस्ट टेम्पल, तिब्बतियन टेम्पल और जापानीज टेम्पल। सांची का सेम कॉपी इसको बनाया गया है। अच्छा, हम तो भोपाल से आए हैं तो भोपाल के पास सांची है ना? यस यस यस, यस। हाँ, सांची में सम्राट अशोक जी का बनाया हुआ है। सांची का कॉपी बनाया है। सेम सांची का कॉपी, सांची का जो गेट है, मतलब भोपाल में जो प्राचीन गेट है सांची का गेट, सेम उसका कॉपी गेट है। और इस गेट में देखिए यही खासियत है, इसमें कई लाख छोटे बड़े स्टैचू हैं। मेरे पीछे है विश्व शांति सुपर टेंपल, ये सांची है भोपाल के पास, उसका एकदम कॉपी बनाया गया है। तो ये सारनाथ में आप आते हैं तो ये भी मिस मत करिएगा। देखिए जो जापानी टेंपल है इसे 1932 में बनाया गया था और इसे जापान गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और इसमें एक चीज अद्भुत किया गया कि इसमें कलाकारी किया गया है चंदन की लकड़ी से, लाल चंदन की लकड़ी से महात्मा बुद्ध के स्टैचू बनाए गए हैं और झूमर बनाए गए हैं। और बहुत ही प्यारा इसमें मंत्र नाम ओ हो रेंगे का जो मंत्र भी दिया गया है, जो बुद्धिस्टों का मंत्र है। यहाँ पे इवनिंग और मॉर्निंग टाइम ये मंत्र जाप करके इस जापानीज टेम्पल में प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं। और इसमें लाइटिंग नहीं होती, केवल कैंडल यूज किया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत रहता है। देखिए आपका ये होता है कि इसका कलर नहीं जाता है, क्योंकि कलर सिल्क के धागे से डाल रहे हैं, कलर उठता नहीं है। और जो इस पर डिजाइन नहीं रहता, जो बुनाई किया हुआ रहता है वो तो सारा देखिए हाथ से किया हुआ है। ये होता है सिल्क, रियल जो सिल्क होता है बनारसी वो इस तरीके से बनाते हैं, एक एक धागा जोड़ के साड़ी को कम्प्लीट करते हैं। ये होता है जाकार्ड जो डिजाइन का काम करता है। तो जो इसमें छेद है वही डिजाइन, कोई कंप्यूटर या मशीन ये सब चीज़ यूज नहीं किया जाता, केवल केवल जो है हाथों से वर्क किया जाता है। हमें रंग नहीं घुमाते हैं, क्या आप थोड़ा
बनारस अगर आप आते हैं तो बनारसी साड़ियों को अपने साथ ले जाना ना भूलें। यहाँ आपको हर रेंज में साड़ियाँ मिल जाएंगी, हर ओकेशन के हिसाब से साड़ियाँ मिल जाएंगी और काफी सारे डिजाइन भी मिल जाएंगी। साड़ियों की शॉपिंग के बाद एक बार मैं फिर निकल गई अस्सी घाट के लिए शाम की आरती को अटेंड करने। अस्सी घाट के पास ही हूँ मैं और मैं ले रही हूँ कांच की चूड़ियाँ मेरे लिए। शॉपिंग और गंगा आरती के बाद मैंने लुफ्त उठाया वहाँ के स्ट्रीट फूड का और मैंने मुलाकात की बनारस के लोकल लोगों से। गर्मा गर्म सत्तू का पराठा लिया है मैंने यहाँ पर, साथ में ठंडा ठंडा दही और चटनी दिया है इन्होंने। माँ गंगा का आशीर्वाद है, हम लोग यहाँ पर उनका जन्म हुआ हम लोगों का, इसलिए जो कि हम लोग माँ के गोद में पले हुए हैं और यही काशी की जो महिमा इतना पार है कि यहाँ जो भी आता है सुख समृद्धि के साथ रहता है। जो शहर है बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है और ये जो है जीव को मोक्ष प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है। यहाँ की धरती जो है अन्नपूर्णा ही है साक्षात, यहाँ पर तो सबको ज्ञान देती है, यही काशी का रहस्य है मूल।